हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं और फॉर्म फिलअप का प्रोसेस आपका 7 नवंबर से ही चल रहा है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 16 दिसंबर शाम 5 बजे तक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नए अपडेट्स आए हैं इस बार सैनिक स्कूल 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला अपडेट जो है वो है कि आपका जो फॉर्म फिलअप का वेबसाइट था वो चेंज हो चुका है। नया जो वेबसाइट है वो है exams.nta.ac.in/AISSEE। तो इस नए वेबसाइट को हम विजिट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स आपको दिए गए हैं फॉर्म फिलअप और एग्ज़ाम्स रिलेटेड। हम ब्राउज़र पे जाके सर्च करेंगे exams.nta.ac.in/AISSEE। आप यहाँ देख सकते हैं ये इनका वेबसाइट खुल गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ जहाँ पे AISSEE 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन। तो यहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहाँ पे क्लिक करके। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमें दिखेगा होम, इन्फॉर्मेशन, FAQ, कॉन्टैक्ट। इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके हमें डाउन एरो क्लिक करेंगे, अब हमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिख रहा है तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को हम डाउनलोड कर लेंगे। ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड करने के लिए, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डाउनलोड हो चुका है। हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये PDF है कंप्लीट, जिसमें डिटेल्स दिया रहेगा फॉर्म फिलअप से लेकर एंट्रेंस एग्ज़ाम और एडमिशन के डिफरेंट डिटेल्स और एलिजिबिलिटी वगैरह सब दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले आप देख सकते हैं कितना फ़ीस लगने वाला है फॉर्म फिलअप में और जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। फ़ीस जो है जनरल और OBC और डिफेंस वार्ड्स के लिए 650 रुपीज़ लगेंगे फॉर्म फिलअप में, और SC ST बच्चों के लिए है 500 रुपीज़। नेक्स्ट और भी डिटेल्स हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होने वाला है 21 जनवरी जो कि संडे है, और क्लास 6 के लिए टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, क्लास 9 के लिए 2 बजे से 5 बजे तक। नेक्स्ट डिटेल्स दिए हुए हैं कहाँ से अप्लाई करना है, वो तो सेम वेबसाइट पे आप अप्लाई करेंगे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था। तो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से अपडेट हुए हैं इस साल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो जो सेकेंड अपडेट है वो है कि इस बार क्लास 9 के लिए गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं सैनिक स्कूल्स में। आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें सैनिक स्कूल्स हैं और न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। सैनिक स्कूल्स यानी कि ओल्ड वाले, उसमें क्लास 6 और 9 दोनों में एडमिशन होता है, तो ओल्ड वाले में ही क्लास 9 में गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। यानी कि क्लास 6 और 9 दोनों क्लासेस में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल हैं ओल्ड सैनिक स्कूल्स के लिए। वहीं अगर नए सैनिक स्कूल की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ क्लास 6 में एडमिशन होता है और गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया जो है क्लास 6 के लिए है 10 से 12 साल के बीच में, और डेट ऑफ बर्थ क्या होने वाला है क्लास 6 के लिए है 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 के बीच में। वहीं क्लास 9 के लिए एज होना चाहिए 13 से 15 के बीच में, और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच में। क्लास 9 में एडमिशन के लिए बच्चे को क्लास 8 किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जब एडमिशन होगा उस टाइम उसे क्लास 8 का पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इट मीन्स कि वो अभी 8 क्लास में होगा। देख लेते हैं वैकेंसीज, यानी कि किस क्लास के लिए किस स्कूल में किस कैटेगरी के अंडर कितने सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये PDF के पेज नंबर 61-62 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लें और देख लें कि किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, उसके हिसाब से आप फॉर्म फिलअप करें। क्लास 9 में गर्ल्स तो एलिजिबल हैं बट सीट्स हर एक सैनिक स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ सीट्स हैं वो आप देख लें PDF से और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल अमरावती नगर, सैनिक स्कूल अंबिकापुर, अमेठी, बालाचड़ी, भुवनेश्वर, बीजापुर, चंद्रपुर, इन सब जगहों पे गर्ल्स के लिए सीट्स हैं इस पेज में। और नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं कोरकोंडा में एक है होम स्टेट में, और अदर स्टेट कोटा में 3 सीट हैं, और उसी तरह से इनपुरी में है, रेवारी में है, संबलपुर, सुजनपुर तीरा में है, तिलैया में है और पुंगलवा में है। तो आप इसी PDF के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ सीट्स हैं गर्ल्स के लिए क्लास 9 में। इसी तरह दिया गया है न्यू सैनिक स्कूल्स में उनका एड्रेस वगैरह, कितने वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्लास 6 में एडमिशन होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का सीट मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पेज से आप यहाँ देख लेना। उसके बाद पेज नंबर 71 से अपेंडिक्स 11 है जहाँ पे कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो प्रोसेस पूरा दिया हुआ है, इसको देख के आप कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो पता कर सकते हैं। पेज नंबर 73 में आपको स्टार्ट किया है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो दिखाया गया है।
यहाँ पे नाम, पेरेंट्स का नाम और फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे के रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद एड्रेस वगैरह देना है, पासवर्ड क्रिएट करना है एंड देन फॉर्म फिलअप का नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाना है। तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इन केस आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उस केस में बहुत ही हेल्प करने वाला है ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप इसको देख के कैसे फॉर्म फिलअप करना है ये पूरा पता लगा सकते हैं। और एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बच्चे का फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाया गया है। तो एंड में आपको जो फॉर्म फिलअप होके जो कन्फर्मेशन पेज है वो कैसे दिखेगा वो दिखाया गया है। अभिषेक कुमार नाम के बच्चे का दिखाया गया है यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके। फॉर्म फिलअप का पेमेंट भी आप फ़ोन से ही कर सकते हैं। यहाँ पे आपको UPI मोड भी देखने को मिल रहा है पेमेंट में। आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी है, तो मोबाइल से भी किया जा सकता है फॉर्म फिलअप। अपेंडिक्स 4 यानी कि पेज नंबर 55 में आपको लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सिटीज़ दिए गए हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इन सेंटर जो सिलेक्ट करना है आपको 4 सेंटर सिलेक्ट करना है। तो किस स्टेट में, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से सिटीज़ में सेंटर मिलेगा वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इन्हीं में से 4 आपको सिलेक्ट करने हैं। इस PDF में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं फॉर्म फिलअप से लेकर एंट्रेंस एग्ज़ाम तक के। तो जो भी आपको डाउट्स होगा इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से मिल जाएगा। एंड बाकी अगर कोई फॉर्म फिलअप से रिलेटेड डाउट हो आपको तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, बेझिझक मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करना, क्योंकि आपको जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उन्हीं पे मैं वीडियो बनाऊँगी तो आपको हेल्प मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।